हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे होंगे, बड़े होंगे तो मैं चुका वीडियो लेके गाइस आज जा रहा हूँ मैं पोचिंग की। मैं काफी दिन बाद देख लो भाई कितने बंदे आ रहे हैं, मतलब कसम से तबाही होने वाली है। और ये वाला गेम गाइस बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, बस देखते जाना। मतलब कितनी बार तो भाई मैं मरते मरते बचाऊँ और भाई लास्ट में पबजी ने ही हमारी जान ले ली। बस देखते जाना, काफी मजा आने वाला है इस वाले मैच में। अब यहाँ पे गाइस जल्दी से मैं लूट कर लेता हूँ, मेरे को यूएमपी मिल चुकी थी। सामने कुछ निहत्ते बंदे भाग रहे थे तो भाई पकड़ते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं दो बंदों को नोक कर देता हूँ और भाई एक को पूरा खत्म कर देते हैं। और दूसरे वाले बंदे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो बेचारा आ ही जाता रैंक तरंग तक, भाई मेरे को मुक्ति दे दो डॉक्टर साहब, तो मैं कर देता हूँ उसका इलाज, है ना। अब यहाँ पे गाइस कुछ बोट वोट थे तो भाई उन्हें निपटाते हैं और फिर चलते हैं असली बंदों की तरफ। अब यहाँ पे गाइस दोनों तरफ बंदे थे, एक तरफ भैया एके चल रही है और दूसरी तरफ भैया यूजी चल रही है, तो मैं दूसरी तरफ जाने की सोच रहा था और पहले वाले की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। और जैसे भैया जी अपनी प्यारी सी टपली दिखाते हैं, मैं उसे नोक कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस सामने वाली स्क्वाड का एक बंदा नोक था, उसे मैं फिनिश कर देता हूँ और भाई एक को नोक कर देते हैं और अब जाकर गाइस रश मार दूंगा। बंदा मेरी तरफ ही देख रहा था भाई कसम से, मतलब एक सेकंड के लिए मैंने उसे देखा, उसने मेरे को देखा, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि भैया अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि गाइस जब वोल्ट करते हैं खिड़की में तो गोली चला ही नहीं सकते यार। तो यहाँ पे गाइस बहुत बड़ा स्कैम होता कसम से, लेकिन बच जाते हैं बस। और इस वाली स्क्वाड को भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब गाइस थोड़ी सी लूट वूट करेंगे, क्योंकि भाई कसम से बैग खाली पड़ा था बिल्कुल। और ये पीछे जो बंदर लटक रहा है ना मेरे बैग पे, ये मेरे से कह रहा था कि भाई मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तो यार भर देते हैं इसका मुंह के, चलो भाई खा तू मजे में आज। अब यहाँ पे गाइस इस वाले घर में एक बंदा मैंने नॉक करा था पहले, लेकिन भाई शायद वो रिवाइव हो चुका है और मेरे टीममेट को नॉक कर चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक भैया जी खिड़की मारे थे बार बार, मैं डैमेज देता हूँ अच्छा खासा, तो अब तो बिल्कुल नहीं झांकने वाला वो। लेकिन इसके और बंदे मेरे पे रश मारने लगते हैं, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। काफी तगड़ा क्लच होने वाला गाइस ये। तो गाइस सबसे तगड़ी ट्रिप है ना कि भाई एक पोजीशन पे नहीं रहना, ठीक है, बदलते रहो भाई, मतलब कंफ्यूज कर देना है। क्योंकि अगर एक जगह पे तुम खड़े रहे ना तो भाई बंदे दिमाग लगा के तुम्हें कुछ ना कुछ करके मतलब निपटा ही देंगे, प्लान बना लेंगे वो। लेकिन अगर तुम लोकेशन बदलोगे तो भाई एक प्लान बनाएंगे, लेकिन तुम लोकेशन बदल लोगे फिर से प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर भैया किलस के बंदे रश ही मार देते हैं ऐसे ही अंधाधुन। और हाँ गाइस, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ शाम को 8 बजे से नो नो लाइव पे, और वहाँ पे गाइस रॉयल पास का गिव अवे चल रहा है, तो वहाँ पे गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे भैया जी पूरी कोशिश करते हैं कि लेफ्ट जाऊंगा राइट जाऊंगा, लेकिन नोक कर देते हैं यार। और फिर ये वाले भैया जी भी आते हैं प्रीफायर लेके, लेकिन इसको भी खत्म कर देते हैं इजीली। अब यहाँ पे गाइस क्लच तो क्लच, अपना टीममेट भी मैं यहाँ पे बचा लूंगा। तो गाइस इस वाले क्लच में मजा आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मार दो यार। आजकल कुछ बंदे भाई सब्सक्राइब नहीं मारते, बस वीडियो देखते हैं मजे में चलते बनते हैं, भाई देखो सब्सक्राइब करो यार। तो गाइस जल्दी से दबा दो वो लाल वाला बटन जो नीचे तुम्हें दिख रहा होगा सब्सक्राइब का। अब यहाँ पे गाइस अपने बंदे को रिवाइव करते हैं और भाई निकल लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस सामने की तरफ फ्लेयर ड्रॉप आई थी और भाई फ्लेयर चली और हम ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे गाइस हमारे पास थी बाइक। और अगर बाइक से तुम किसी स्क्वाड पे रश मारोगे ना, देखो भाई वो हमारी रिश्तेदार तो है नहीं कि भाई छोड़ देगी हमें, थोड़ी दया कर देगी कि चलो इनमें बाइक है ना छोड़ देते हैं ना, ऐसा नहीं करने वाले भाई वो। तो यहाँ पे गाइस मैं बग्गी लेता हूँ और भाई अब जाकर थोड़ा पीछे रोक के रश मारेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं एक बंदे को नोक कर देता हूँ, लेकिन भाई एक भैया जी मेरे ऊपर ही एम करके बैठे थे बिल्कुल ही, और उसे भी मैं हेडशॉट देता हूँ यहाँ पे। अब गाइस मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट है सोच रहे हो, और फूट तोड़ चुका है ऊपर से भाई, इसे तो मतलब ले लो पबजी वालों, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हेलमेट। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ, भाई एक बंदा मेरे ऊपर एम लगा के बैठा था, वो स्कैम कर देता मेरे साथ। अब यहाँ पे अपना किल सिक्योर करता हूँ मैं और भाई जाकर रश मारने लगते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले थ्रोएबल्स का यूज करेंगे, क्योंकि भाई थ्रोएबल्स का यूज करो यार, मतलब बहुत तगड़ी चीज है, कम मेहनत में ज्यादा काम कर देता है यार कई बार, तो इसलिए यूज कर लिया करो। कुछ अगर ना हो तो वो अलग बात है, मतलब यूज करने में क्या जा रहा है ना, भागते भागते एक दो फेंक दिया करो ऐसे ही। अब एक नागिन मेरे को यहाँ पे दिखती है, इसको मैं नोक कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि घोस्ट राइडर बनने वाली थी।
और एक भैया जी यहाँ पे थे जो कि भाई निपटाने के फुल मूड में थे मेरे को, लेकिन भी खत्म कर देते हैं इस वाली स्कोर को भी। और यहाँ पे गाइज ड्रॉप पड़ी थी, चार चार डब्बे पड़े थे, और मैं ना लूटूं ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मतलब ये जो बंदर लटक रहा है ना भाई मेरे पीछे बैक पे, भाई ये कह रहा है मेरे से कि भाई जल्दी जल्दी लूट भर यार, भूखा है तो इसका पेट भरते जल्दी से। अब यहाँ पे गाइज मिलिट्री की साइड जोन बन चुकी थी, और जोन में जाने के लिए हमें ब्रिज से होकर जाना पड़ता। और गाइज ये जो ब्रिज कैंप है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रिज कैंप मैं तोड़ूंगा, बस देखते जाना, बहुत ज्यादा इंटेंस है यार ये। मतलब यहाँ पे गाइज मैं मरते मरते बचाऊ, बस देखते जाना। तो सबसे पहले गाइज मैं इन भालू भाई बहनों को निपटाता हूँ। भाई यहाँ पे पता नहीं किसके ऊपर एम ले रहे थे ये, अब एम ले रहे थे इसका मतलब गाइज बंदे भी हो सकते हैं। और भाई इनकी गाड़ी की हालत तुम देख लो, इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ गंदा ही स्कैम है। लेकिन यहाँ पे गाइज मेरे को कोई सपोर्ट नहीं होता, और अपनी गाड़ी का किसी ने टायर फोड़ा भी, अभी टायर फूटने की आवाज आई मतलब गोली लगने की, लेकिन गोली चलने की साउंड भी नहीं आई, और भाई ना मार्क आया, या तो भाई एम के है या फिर VSS है, मैं समझ चुका था यहाँ पे। तो गाइज थोड़ा सा कवर में रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गंदा स्कैम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज मैं सोचता हूँ अपनी गाड़ी कवर में लगा लेते हैं, मतलब एक पहिए के सारे कुछ तो कर ही लेगी, मतलब ना होने से तो बेहतर ही है खैर। और यहाँ पे गाइज मेरे को लगा कि भाई कोई ऊपर ऊपर कैम मार रहा है में, तो मैं थोड़ा देखता हूं। इतने में ये भैया जी आ जाते हैं जो कि कुचलने के फुल मूड में थे मेरे को। लेकिन यहाँ पे गाइज मैं इसको निपटा देता हूँ, और भाई इस बंदे को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, भाई ये नई गाड़ी लेकर आया मेरे लिए बिल्कुल ही। तेल थोड़ा कम था भाई मतलब, लेकिन चल जाएगा यार इतना, अगली बार से तेल भी फुल लेकर आई हो भाई मेरे लिए। और पीछे से ये वाले भैया जी भी आते हैं कि भाई मेरे को भी यार कोई मारो, मतलब मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई इसकी इच्छा पूरी करते हैं यहाँ पे। लेकिन अब भी गाइस बंदों की लोकेशन मेरे को नहीं पता थी परफेक्ट, तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ, क्योंकि अभी जोन भी आने में टाइम है थोड़ा सा। और अब जाके गाइज मेरे को एक गाड़ी ग्लिच होती है इतनी देर बाद, तो यहाँ पे गाइज कम से कम पक्का तो हो गया कि भाई बंदे सामने की तरफ ही हैं। गाड़ी लेकर रश मारते हैं, अगर कुछ स्कैम हुआ बीच रास्ते में तो भैया पानी में डुबकी लगा देंगे, है ना। लेकिन बहुत ढीठ बंदे थे यार सामने वाले, मतलब देखते जाना बस। अब यहाँ पे गाइस एक बंदा लेट के स्प्रे मार रहा था, और भाई लेट के अगर कोई स्प्रे मारता है ना तो भाई तुम्हें पता ही है क्या स्कैम होता है। तो यहाँ पे भाई हेल्थ इतनी जल्दी जाती है ना मेरी, तो यहाँ पे गाइस मैं स्मोक करता हूँ, और भाई सबसे पहले हीलिंग करूंगा। और गाड़ी की हालत तुम देख लो, मतलब कुछ होने ही वाला, खैर गाड़ी का तो भूल ही जाओ, पैदल भी नहीं कुछ हो सकता। तो यहाँ पे गाइस मेरे को डुबकी मारनी पड़ेगी, और वैसे भी यार गर्मी सी हो रही थी थोड़ी, तो ठंडक सी मिल जाएगी थोड़ी। अब यहाँ पे गाइस तुम्हें लग रहा होगा कि भाई निकल जाएगा मजे में पानी के थ्रू, लेकिन भाई इतना खतरनाक कैंप गाइस मैंने कभी नहीं देखा, और भाई बस देखते जाना क्या ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस सामने वाले सारे बंदे हमारे लिए रेडी थे पहले से, उन्होंने हमें देख लिया था शायद जंप करते हुए। और एक भैया जी मेरे को AWM चिपका देते हैं दूसरी तरफ से, वहां पे मेरा ध्यान था ही नहीं। और गाइस ये अच्छी बात थी, मैं थोड़ा आगे की तरफ था, अगर मैं पीछे की तरफ होता ना तो भाई पानी में डूबते खत्म था मतलब एकदम। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं स्मोक करवाऊंगा, और भाई फिर रिवाइव होंगे, और भाई सबका बदला लिया जाएगा भाई ब्याज सहित, चिंता मत करो, लेकिन पहले रिवाइव तो हो जाऊं। तो यहाँ पे गाइस ये वाली स्क्वाड कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव थी, मतलब ये बंदे रुक सकते थे सामने की तरफ, क्योंकि भाई जोन पहले हमें निपटाती फिर इन्हें निपटाती, तो ये बच सकते थे, लेकिन फिर भी ये बंदे हमें निपटाने आते हैं, तो बस देखते जाओ। अब गाइज इस वाले क्लच के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, तो भाई जल्दी से ठोक दो यार जिन बंदों ने नहीं करा अभी तक। तो गाइज मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई इस वाली स्कोर का रिएक्शन क्या होगा भाई मरने के बाद। अब यहाँ पे गाइज जोन तो आई चुकी थी, और भाई ये वाली जोन एक बार बनी तो फिर तुम्हें पता है कितनी बुरी हेल्थ खाने वाली, और भाई जोन आसपास नहीं है भाई, 800 मीटर दूर जाना है हमें। अब यहाँ पे गाइज क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा भाई बताओ मेरे को कमेंट करके, गेस करो।
कई बार वो भी आसान। अब यहाँ पे गाइस तुम्हारा भाई सरवाइव मार देता भाई किसी तरह। अब गाइस इस वाले सर्वाइवल के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अब यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले हीलिंग करता हूँ, एक और जोन आ चुकी थी जितने में, और भाई जल्दी से जाते हैं जोन में। तो यहाँ पे गाइस मेरे को लगा कि भाई अंदर से जाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं, अपना निकल जाएंगे सेफ तरीके से जोन में। लेकिन भाई लेकिन ये कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके पिछवाड़े पे जब लात लगती है ना जोन की, ये जब ही चलते हैं, मतलब ये जाएंगे नहीं, नहीं तो। अब यहां पे कैसे बंदा क्राउच एंड शूट भी करता है, हल्का सा जिगल भी करता है, लेकिन खत्म कर देते हैं इसे भी। लेकिन भाई पीछे भी एक बंदा कैंप मार रहा था, जो कि मैंने बात इस बंदे के लिए बोली थी, उस बंदे पे ज्यादा लागू होती है भाई। मतलब जोन बन चुकी यार पूरी, कब जाओगे भाई। तो सबसे पहले गाइस मैं आता हूं कवर में, यहाँ पे गाइस मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ, फुल बूस्ट लगाता हूँ मतलब, और फिर गाइस उस बंदे को ढूंढेंगे जो कि भैया पीछे से निपटाने के फुल मूड में था। और यहाँ पे गाइस मेरे को ये डर लग रहा था कि भाई कोई स्क्वाड गुफा में ना बैठे हो, कभी पीछे से निपटाए मेरे को। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं घुस जाता हूँ कि भाई जो होगा देखी जाएगी। और यहाँ पे गाइस मेरे को बंदा दिख भी जाता है भागता हुआ, जिसको एक बॉडी पड़ती है। और फिर गाइस मैं ग्रोजा निकालता हूँ, भाई बंदे को खत्म कर देते हैं इजीली। अब यहाँ पे गाइस जो स्कैम होने वाला है ना भाई, वो तुमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। मतलब बस देखते जाना क्या ही होगा मेरे साथ। मतलब यहाँ पे पबजी ने मेरे को निपटा दिया कि भाई ये बहुत देर से बंदों को मार रहा है, इसे खत्म करो। मतलब गाइस एक टाइम पे मैं चलो नीचे गिर रहा था ढलान से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बीच में स्प्रिंग सी क्या ही भाई, एकदम से मुझे फेंक दिया भाई पीछे उठा के। मतलब क्या ही स्कैम था भाई ये। मतलब गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ पबजी ने कौन सा नशा भूख रखा था, मोली का, सस्ते नेड का, या फिर किस चीज का भाई, गत्ते का, मेरे को बता देना भाई। मतलब मेरे को नहीं समझ में आई, मतलब पहाड़ के बीच में भाई स्प्रिंग कहां से आ गई। तो भाई यही था आज की वीडियो में। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी अब तक तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो जो नए बंदे, और जिन्होंने भाई पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। और हां गाइस शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। We'll be right back.